हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप केजरीवाल के सपोर्टर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी नहीं, मोदी जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं केजरीवाल जी के नए ऐप की, जिसका नाम है आई एम सॉरी ऐप। जी हाँ, अपने ट्विटर हैंडल पर यह खुलासा करते हुए कहा है कि हम अगले महीने एक ऐप निकालने जा रहे हैं जिससे मेरे समर्थकों और विरोधियों दोनों का काम आसान हो जाएगा, और उस ऐप का नाम है आई एम सॉरी ऐप। इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, देखो जी, मुझ पर 30 से भी ज़्यादा मानहानि के केस लग चुके हैं, जिसमें से मैंने 3 में माफ़ी मांग ली है, मगर इतना काफ़ी नहीं है। अभी मुझे कई और लोगों से माफ़ी मांगनी है और इतने पेज और पेन में बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने यह ऐप निकाली है जिससे आप जिस किसी से चाहे उसका नंबर डालकर माफ़ी मांग सकते हैं। इस ऐप का नाम मैंने आई एम सॉरी रखा है और यह अगले महीने लॉन्च होने वाली है। इससे मेरा समय बचेगा जिसमें मैं लोगों से चंदा मांगकर चुनाव लड़ सकता हूँ। जहाँ तक एक तरफ भाजपा समर्थक इसका मजाक बना रहे हैं, तो वही आप सपोर्टर इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। एक आप सपोर्टर ने कहा, मानहानि के केस 30, कागज़ पर मांगी गई माफ़ी 3, कुल कागज़ बचे 27, क्योंकि ये है ईमानदार सरकार। हालांकि इस ऐप का कुछ और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें सबसे आगे है भारतीय मर्द, जिन्हें बात बात पर अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ती है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ऐप मिल जाए तो हम साल भर की माफ़ी एक साथ ही ड्राफ्ट करके रख देंगे। बताया जा रहा है कि इस ऐप में एक ऐसा फीचर भी होगा कि अगर उसका माफ़ी वाला लिंक काम ना कर रहा हो और आपको उसकी वजह से गुस्सा आ जाए, तो आप आम आदमी पार्टी को चंदा देकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। गैर गुस्से से याद आया कि केजरीवाल के समर्थकों में उनके खिलाफ गुस्सा बहुत है। उन्हें दुख है कि जिन्हें एक समय केजरीवाल जेल में भेजने की धमकी दिया करते थे, आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पहले क्या खत्म होता है, केजरीवाल जी की माफी का दौर या आप समर्थकों का उन पर विश्वास। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।